सो यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर टेस्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और पीछे बैकग्राउंड देखना कैसा आ रहा है। एकदम देखो ब्लर कर दिया एंड फोकस तगड़ा करता है एकदम। बैकग्राउंड ब्लर है पूरा। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ही होंगे। एंड आज हम टेस्ट करने वाले हैं आईफोन 7 से व्लॉगिंग टेस्ट पूरा। एंड ये व्लॉगिंग टेस्ट भी है एंड जो क्रिएटर्स हैं आईफोन 7 से शूट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उनके लिए भी है। एंड इसका जो प्राइस है और बैटरी है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्टिंग में इंडोर शूट, आउटडोर शूट, स्टेबलाइजेशन ये सब टेस्ट करते हैं। तो अभी इस पर स्विच करते हैं जल्दी से और जल्दी से टेस्ट करते हैं। पहले इंडोर शूट करेंगे फिर आउटडोर, ठीक है? और सारा और जितनी भी साउंड क्वालिटी होगी वो भी इसी से आएगी। और दोबारा बता दूँ, आईफोन 7। तो स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं उसी रूम में हूँ और सेम फ्रेम है, ठीक है? और लाइट अभी मेरे इस साइड है, लेफ्ट साइड में। तो अभी मैं लाइट के सामने आ रहा हूँ और ये मैं लाइट के सामने हूँ। और इंडोर शूट में इस कैमरे को मतलब बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है तो ये अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, वरना अगर लाइट इसके बैक साइड में है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है ब्लैक ब्लैक सा। और देख रहे हो अब लाइट के सामने। तो चलते हैं अभी दूसरे रूम में और साउंड क्वालिटी इसी की है स्टार्टिंग से एंड तक। सो अभी मैं हूँ दूसरे रूम में और लाइट जो है वो सामने से है, ठीक है? लाइट सामने से आ रही है। अभी हम लाइट के पीछे जाते हैं। अब लाइट पीछे है तो देख लेना कैसी लाइट आ रही है। और इंडोर शूट में इसको बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती है और ये बैक कैमरे से शूट हो रहा है। अब स्विच करते हैं इंडोर में ही फ्रंट कैमरे से। तो यह है इसका फ्रंट कैमरा और ये सेम लोकेशन है जहाँ हम पहले थे इस रूम में। और अब लाइट पीछे है तो थोड़ा सी लाइट ज़्यादा मिलती है फ्रंट कैमरे में, पर थोड़ा सी क्वालिटी डाउन हो जाती है, बाकी तो ठीक है। बाकी मैं अभी थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ और सनलाइट आ रही है सामने से और ये फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है पूरा। अभी इसी में बैक कैमरे से करते हैं जो सनलाइट सा। तो सेम वही लोकेशन पे बैक कैमरे से शूट कर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं सनलाइट के पास जो विंडो से आ रही है। एंड सनलाइट के पास आ चुके हैं और देख सकते हो थोड़ा सा कलर में थोड़ा डिफरेंट आया होगा, ठीक है? और जिसको इसको इस कैमरे को जितनी भी लाइट दोगे ना उतना अच्छा इफ़ेक्ट देता है ये वीडियो क्वालिटी में और अच्छे कलर्स आते हैं। तो लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है इंडोर शूट में इसके लिए। और चलते हैं आउटडोर शूट में और आउटडोर शूट करते हैं थोड़ा, बाकी थोड़ा सिनेमैटिक्स भी देंगे और थोड़ा कलर भी देखेंगे कैसे आ रहे हैं। सो अभी अभी हम आ चुके हैं बाहर और धूप अभी सामने से पड़ रही है और कलर्स देख सकते हो कैसे आ रहे हैं। और पीछे का बैकग्राउंड भी देख लेना कैसे कलर्स आ रहे हैं। और अभी सूरज सामने था, अब सूरज आ चुका है पीछे, सनलाइट पड़ रही है बैक से, तो ये भी देख लेना कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है। बाकी सिनेमैटिक्स देते हैं थोड़े से। सो यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, इसके कलर्स आप देख सकते हो कैसे आ रहे हैं वीडियोज़ में। और ये 1080p में शूट हो रहा है सारा। अभी इसको 4K स्विच भी करेंगे क्योंकि इसमें 4K ऑप्शन भी है और पर उसमें 30 FPS मिलता है। FPS को जिसका नहीं पता, FPS जितना ज़्यादा होता है उतनी वीडियो स्मूथ होती है, जिसमें इसमें दिख ही रहा होगा। तो अभी हम इसको 4K स्विच करेंगे और 4K में भी थोड़ा सा शूट करके देखते हैं, ठीक है? बाकी इसके कलर्स देखो, तो थोड़ा सा स्काई की तरफ भी शूट करते हैं। एंड के लिए हम नेक्स्ट लोकेशन पे आए हुए हैं एंड यहाँ लोकेशन बहुत तगड़ी है, एकदम एक नंबर। और 4K शूट करने के लिए तो अभी बैक कैमरे से सिनेमैटिक देता हूँ और देखते हैं 4K में क्या है। सो 4K में देखना है इसके कलर्स कैसे आ रहे हैं पूरे, ठीक है?
तो अभी बारिश का मौसम है बाहर, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश पड़ी है। और मौसम देख लेना, 1080p पे शूट हो रहा है, 60 FPS पे। सो 1080p 60 FPS पे शूट हो रहा है। तो बात करते हैं इसके स्टेबलाइजेशन की। स्टेबलाइजेशन आप देख ही रहोगे, मैंने हाथ पे पकड़ा है और मैं वॉक कर रहा हूँ, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसका स्टेबलाइजेशन। भाई बहुत तगड़ा है। अभी साइड बाय साइड कंपैरिजन तो नहीं दिखा सकता, पर वैसे दिखाता हूँ वॉक करते हुए अपने फ़ोन को, जो दूसरा वाला फ़ोन है और इस पे। तो दोनों फ़ोन तो मैंने बगल बगल में लगा लिए हैं, अब स्टेबलाइजेशन देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा टच हो गया था। अब स्टेबलाइजेशन देखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा टच हो गया था। तो इधर जो मेरा फ़ोन है वो है ओप्पो A5s, उससे शूट हो रहा है। और इधर आईफोन का स्टेबलाइजेशन चेक हो रहा है। तो आपको दिख ही गया होगा कंपैरिजन में, वो मैंने हाथ पे पकड़ा है फ़ोन, है दोनों ही फ़ोन मैंने हाथ पे पकड़े हुए हैं, वो नो गिम्बल। आईफोन का स्टेबलाइजेशन बहुत ही सही है, एकदम एक नंबर। तो इसके थोड़े से क्लोज अप शॉट्स भी ले लेते हैं। एंड बैकग्राउंड एकदम देखो ब्लर कर दिया, एंड फोकस तगड़ा करता है एकदम, बैकग्राउंड ब्लर है पूरा। ऑटो फोकस एकदम भाई फास्ट काम करता है एकदम, देखो। भाई बहुत ही सेट एकदम व्लॉगिंग के लिए बहुत ही बेस्ट कैमरा है। सो यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर टेस्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे खड़ा हूँ और पीछे बैकग्राउंड देखना कैसा आ रहा है, थोड़ा सा पास आके फिर वापस। तो अभी मैं दोबारा से वॉक कर रहा हूँ और स्टेबलाइजेशन देखो, मैं चल रहा हूँ और स्टेबलाइजेशन इतना तगड़ा है ना भाई इसका। सबसे बेस्ट मुझे इस फ़ोन में स्टेबलाइजेशन और वीडियो क्वालिटी लगती है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप वीडियो में देख रहे हो एंड ब्लॉगिंग टेस्ट के लिए। तो ये जो ब्लॉगिंग टेस्ट था, बट एज अ क्रिएटर भी आप इसको यूज़ करते हो, जो सिनेमेटिक शूट्स करते हैं, क्लोज अप शॉट्स लेते हैं, और मतलब जिसको अच्छी क्वालिटी चाहिए और कम रेंज में, तो ये देगा हर चीज़। सो ये नाइट में 1080p में शूट हो रहा है, एंड यहाँ पर जो है लाइट आ रही है इसकी, एंड अभी फेस ब्लॉग भी करते हैं। तुम कहाँ से आ गए भाई इसमें? सो ये नाइट में बैक कैमरे से शूट हो रहा है अब, और लाइट पीछे है। अब हम लाइट की तरफ घूमते हैं और लाइट के थोड़ा सा क्लोज जाते हैं। तो लाइट के थोड़ा क्लोज में ये है, और ये 1080p 60 FPS पे शूट हो रहा है, और लाइट ऊपर है पूरी, और अब बैक पे है। तो थोड़ा अंधेरे की साइड जाते हैं, देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है इसका। सो यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा है, यहाँ पर एक मतलब कम लाइट है, वहाँ ज़्यादा लाइट थी पहले। तो यहाँ पर देख लेना व्यू कैसा आ रहा है एंड ब्लॉक। तो अभी ये शूट हो रहा है 4K में, एंड लाइट अभी सामने से, अब लाइट आ गई है बैक में, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अब तो लाइट में तो अच्छा शूट करेगा ये, जितनी लाइट चाहिए ना इस कैमरे को उतनी दोगे ना तो बेस्ट शूट करेगा ब्लॉगिंग के लिए। और 4K में ऐसा आ रहा है, और 4K में 60 FPS नहीं है, 30 FPS है। तो इसके आईफोन 7 के सारे टेस्ट हो चुके हैं, ब्लॉगिंग टेस्ट भी, एज़ अ क्रिएटर भी। अगर आप क्रिएटर हो, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियोस पोस्ट करते हो, कैसी भी सिनेमैटिक हो और लॉन्ग वीडियोस हो और शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हो, ठीक है, सिनेमैटिक्स और कुछ भी है, तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा।
और इसका प्राइस और इसकी बैटरी का मैं बताता हूँ। इसका प्राइस देखो, अगर न्यू लोगे तो ये 128 GB है, तो अगर आप न्यू लोगे तो आपको मतलब 11 के बराबर ही मिलेगा, iPhone 11 के बराबर ही मिलेगा ये, तो इसे नए लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, अगर आप सेकंड हैंड ले सकते हो तो 10,000 की रेंज में ये आपको मिल सकता है। बट हाँ, उसमें भी एक कंडीशन है, उसमें भी देख के लेना, क्योंकि भाई इन आईफोन्स में बहुत घपला होते हैं, तो देख के लेना, इनकी स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो इसको एकदम चेक बैक करके लेना, पूरी बैटरी वैटरी सब, और बाकी इसका कैमरा वैमरा भी सब चेक कर लेना एक बार वहीं पे खोल के। अगर आप लोगे सेकंड हैंड भी 10,000 में रेंज में कहीं भी मिल जाएगा, अगर कोई बेच भी रहा होगा ओएलएक्स पे या फिर कहीं भी तो वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। और बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो अगर आप इसे कंटिन्यू शूट करोगे तो 2 घंटे आराम से चल जाएगी। और तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको मतलब अगर आपके पास पहले से एक फ़ोन है तो उसको रास्ते में उसको शूट करो, और जब इसकी मेन लोकेशन आ जाए तो मेन लोकेशन पे इस फ़ोन का यूज़ करो, जिससे कि अच्छी क्वालिटी मिले। और बाकी अगर आपको पूरा ही शूट इससे करना है तो एक पावर बैंक ले सकते हो, क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ा सा कम होती है आईफोन्स की। तो अगर आप इसके स्टेबलाइजेशन टेस्ट देखना चाहते हो ना मोटो व्लॉग में, तो मेरे साइकिलिंग वाले व्लॉग्स देख सकते हो, तो उसमें पूरा इसी से शूट करता हूँ मैं आप सारे व्लॉग्स, ठीक है, तो इसी से देख सकते हो। बाकी इसका स्टेबलाइजेशन और इसकी क्वालिटी सब एकदम बेस्ट है, और 10,000 की रेंज में आपको 4K क्वालिटी मिल जाएगी, तो भाई और क्या चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर सेकेंड हैंड ले रहे हो तो ले लो, ले लेना, क्योंकि इससे अच्छी बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल सकती 10,000 की रेंज में। अगर 10,000 की रेंज में भी आप अगर एक एंड्रॉयड भी लेते हो ना कोई दूसरा फ़ोन, तो एंड्रॉयड नहीं मतलब अगर कोई दूसरा फ़ोन भी लेते हो तो ऐसी क्वालिटी नहीं दे पाएगा। तो अगर 10,000 की रेंज में आपको कहीं भी ये फ़ोन मिल रहा है ना और उसकी कंडीशन बढ़िया है, तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप गाइस एंजॉय दिस ब्लॉग, ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहो। तो मिलते कैसे ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।